तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा आपको प्रॉमिस किया था कि आज हम टेंट लगा के सोएंगे घर में। और ये भी तो वो खुद बोल रहे थे कि आज गर्मी लगी और मैंने खुद इनसे करवाया है। यार ये क्लोज एरिया है तो यहाँ पे हवा तो आएगी नहीं, फैन चलाना पड़ेगा। और फैन चलाएंगे तो मतलब इतना अच्छा ऊपर से हवा नहीं है, वेंटिलेशन इतना अच्छा नहीं होता कि पंखे की हवा आए। ऊपर कोई थोड़ा नहीं, नेट बट होना हम आज चाहिए, एडजस्ट कर लेंगे आप लोगों के लिए। आज ऊपर से नेट होना चाहिए था, बड़ा थोड़ा है ना, हाँ यार थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। वेंटिलेशन डिकैथलॉन वाले टेंट में अच्छा है, उसमें बड़ी थी ना विंडोज। उसकी दोनों साइड की विंडो बड़ी है, मतलब जैसा फ्रंट में वैसे ही पीछे वाली उसमें है। साइड्स में है। हाँ मतलब पीछे वाली साइड में है। तो यू भी अभी टेंट ओपन कर रहा है, मैं इसको असेंबल करेंगे सेटअप करता हूँ टेंट, और यू भी आपको दिखाएगा। और मुझे कैमरा पकड़ना पड़ेगा ज़्यादा। सो गाइस, यहाँ पे हमारे अक्टू भैया अभी लगा रहे, मतलब सेटअप कर रहे हैं टेंट को। आज गर्मी में सोने के लिए तैयार हो जाओ। सही है, बनियान पहना हुआ हमारे। तो गाइस, हमारा टेंट तो सेटअप हो गया है 5 से 6 मिनट के अंदर, बहुत जल्दी हो गया। अब हम थोड़ा थोड़ा सीख गए इसको सेटअप करना, 2-3 बार कर चुके हैं ना। अगर मास्टर हो गए ना, 1 मिनट के 5 मिनट से कम ही लगेंगे। तो हम इसका रेन कवर तो लगाएंगे नहीं, वरना भाई बिल्कुल हवा रुक जाएगी। इस पॉलीथीन को सही से रख देते हैं। यूपी अंदर से मैट्रेस ले आओ, दोनों मैट्रेस। तो अभी हम इसके अंदर मैट्रेस लगाएंगे, स्लीपिंग मैट्रेस, और ये जो ब्लैंकेट है इसको उस पर बिछा देंगे। बाकी यहाँ से इसको ओपन कर दे रहे हैं, खुल जा सिम सिम खुलने सिस्टम का एक और खुल जा सिस्टम, ये एडवांस वाली खुल जा सिम सिम। पहले अली बाबा 40 चोर आता था, उसमें वो कहता था खुल जा सिम सिम। तो इसके अंदर एक मैट्रेस ये रही और एक योगा मैट्रेस है। ये बॉट मैट्रेस वाटरप्रूफ है भाई, ये नॉर्मल वाली पर मैं इस वाली पर मैं सोऊंगा। अरे मैं इस पे ब्लैंकेट बिछा दूंगा ना तो पता नहीं चलेगा। ये भी जाना अंदर सही करना, इसको ओपन कर दो। ये मेरी ड्यूटी है। तो गाइस, अभी हमने इसमें स्लीपिंग मैट्रेस तो लगा दिया है और स्लीपिंग बैग और उधर दोनों लग गई है। अभी ये ब्लैंकेट है, हम इसको इसके अंदर बिछा देंगे ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और अभी पंखा चलाएंगे और सो जाऊंगे, क्योंकि 10 तो पहले ही बज गए होंगे। 10 से 10:30 हो गया। तो ये पकड़ो, मैं वो भी बिछाता हूँ ब्लैंकेट। अंदर बिछा तो लोगे? हाँ, पहले इसको बंद करके रख देते हैं। पता चले रात में मच्छर वगैरह है सारे, टप्पू सेना की तरह और सब लेके भाग गए। मच्छर कैसे लेके भाग जाएगा? अरे सारी टप्पू सेना आएगी ना हर एक डायमेंशन से, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज की नई मूवी आ रही है, बैठे सब डायमेंशन मतलब कुछ भी पूरा टेंट लिया। और इससे क्या है वो वाली, तो ये मैं अपनी साइड बिछा देता हूं। हां अपनी साइड बिछा दे रहा हूं खाली। हां ठीक, मेरी साइड में वो जरूरत ही नहीं है, मेरे में वो है ना क्या मतलब सॉफ्ट फिटनेस से आपको जरूरत है। और एक ब्लैंकेट तो बिल्कुल नहीं रखेंगे। हां भाई ब्लैंकेट वैसे बाहर जब सोते हैं तो इसके साथ अगर सोना तो ब्लैंकेट रख लेते हैं ना, है क्या? जब बाहर सो रहे होते तब ब्लैंकेट रखते हैं। और हमें लोगों को अगर रात में ज्यादा गर्मी लगी तो वही और बेड पे आ जाएंगे बाहर। मैं आया मैं बता क्या करूँगा, इसके अंदर से गद्दा निकालूंगा, इधर बिछाऊंगा, इधर ही सो जाऊंगा। यहाँ पे हमारे अंदर से स्टार्स हो गए, यहाँ पे उल्टा कर दिया इनने, स्टार्स नीचे कर दिए, गैलेक्सी स्टार्स ऊपर होना चाहिए और जमीन ऊपर कर दिए। तो भाई सेटअप तो हमारा रेडी हो गया, दिखा दो एक बार, अंदर ब्लैंकेट बिछा दिया। ये देखिए हमारा अभी अंदर एक पिलो ले उल्टा यूनिट। गाइस आपको एक अभी हम इसका स्पेस लेंगे, यहाँ पे अक्टूबर रेडी होंगे, यहाँ पे मैं कंफर्ट का आनंद लेते हुए। ये ऊपर ये महिंद्रा का नया वाला लोगो बना हुआ है। तो भाई अभी हम लोग लेट चुके हैं अपने टेंट के अंदर। हाँ गर्मी तो लग रही है, ये दिखा रहा हूँ। और ये आपको यार थोड़ी थोड़ी अभी तो लग रही है, जबकि एसी भी चल रहा है बाहर, मैंने 22 पे कर दिया है भाई एसी, फैन भी चल रहा है। एक चीज बताऊँ आप, किस किस को ये जो आगे ये जो
यहाँ पे वेंटिलेशन में बनाएगी, मेरे को पहन जाके नए वाले लोग आ जाते लग रहा है। अरे थोड़ा बहुत कह सकते हैं, तो अभी सोने की कोशिश करते हैं अंदर, सक्सेसफुल तो हो जाएंगे यार, इतनी भी अभी थोड़ी देर लगेगी फिर नहीं लगेगी मुझे लग रहा है, और लगेगी तो दूसरा फैन भी चला लेंगे, और अगर उसमें फ्लैश ट्राई जरूर करेंगे इसको सोने का। क्योंकि अगर क्योंकि हम बाहर जाएंगे अगर इसको लेके तो उसके बाद पता लगे सो ही ना पाए। मैं ये कह रहा था यार इसमें यहाँ पे भी एक वेंटिलेशन का कुछ दे सकते थे, बल्कि इतना ही इससे इन दोनों को मिला के वो लेकिन देना चाहिए था। कुछ तो यहाँ इस तरह भी देना चाहिए था वेंटिलेशन, जैसे ये एंट्रेंस है ना इसी टाइप का छोटा दे देते कुछ तो ज्यादा बेटर रहता, जिससे हम एग्जिट कर सके, जिससे हम एग्जिट कर सके। तो भाई अभी सोने की कोशिश करते हैं, और टाइम भी हो गया 11, और सुबह उठ के या फिर रात में भी अगर आँख खुल गई तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा और शेयर करेंगे, वरना सुबह तो अभी आपको पक्का ही करेंगे। आपको कैसी लाइट आ रही है अभी एकदम खराब, अब कैसी आ रही है? वरना रात वरना सुबह तो पक्का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। गर्मी लग रही है क्या? मैं तो सो रहा हूँ। चलिए जी अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय। तो भाई रात में यू भी तो उठ के ऊपर लेट गया था गर्मी के लगने के कारण, बाकी अंदर लक्ष्य लेके आए, रात में उठ के लक्ष्य आ गया था इधर सोने, तो लक्ष्य लेट गया था। स्टार्टिंग में गर्मी लगी थी, बाद में फिर गर्मी नहीं लग रही थी, और फैन चला देते हैं यार, मैंने फैन रोक दिया था, तो भी पहले उठने देते हैं यूवी को, फिर यूवी से पूछते हैं एक्सपीरियंस। तो भाई रात में तो यूवी को गर्मी लगी थी तो यूवी बेड पे आके लेट गया था, अभी सुबह मैं मतलब उठ गया था जल्दी तो मैं देखा लक्ष्य और यूवी दोनों ही टेंट के अंदर सो रहे हैं, अभी ये लोग उठ जाएंगे तो इनका एक्सपीरियंस पूछेंगे, मतलब उठ तो गए हैं बस ऐसे ही लेट के नौटंकी कर रहे हैं अंदर। वीडियो के लिए कैसा रहा एक्सपीरियंस? ओके यार अंदर घर के अंदर तो गर्मी लग रही थी यार, ठंडी हवा चल, नेचुरल में लेटे हो ना ओपन एरिया में तो सही है, तो बस इस पे भी बीच में अच्छी हवा आ रही, जब हमने इसको डायरेक्ट हमने किया ना तो थोड़ा सा बेटर हो गया था। हाँ हाँ मतलब ये था यार पंखे की हवा ऊपर वाले वेंटिलेशन से आ नहीं रही थी, तो अगर रात में मतलब ऐसी नेचुरल हवा हो जैसे ओपन में लेटे हो तो सही है। और एक चीज हमने की आज ही स्कूल स्टार्ट ही की थी फिर सो गए थे। लक्ष्य मैंने सुना है, लक्ष्य लोगों को पता है तुम नौटंकी कर रहे हो सोने की। ठीक है सो जाओ फिर, जा रही है क्या पता है, चलो सोने दो लक्ष्य को, बाद में लक्ष्य का एक्सपीरियंस कैप्चर करते हैं। अच्छा ठीक है चलो पहले मैं करूं, मुझे गर्मी लग रही है, ये तो साफ सच नहीं देख रहे हो, ये बहुत ठीक है, इधर दिखाओ इधर गाइस, हम खिला रहे हैं ना गाइस, देखो आज के बच्चे, मुंह तो खोलो आया से कर रहा ये देखो गाइस आज के बच्चे कितने सतान हो ये, इनसे बोलो इनसे ये नहीं खिला रहे, खिलाओ ना छोटे नन्हे से मुन्ने, सही से वीडियो बनाओ गाइस, ये छोटे से नन्हे से बच्चे है, खा गए एक ही बार में, ये ऐसे दिखाओ ना गाइस, गाइस आप देख रहे हो छोटे ये खा लू तुम्हारे। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ वोडाफोन के ऑफिस, क्योंकि मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकलवानी है, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर्स निकलवाने हैं, लास्ट मंथ के जिन पे हमने कॉल किया है। अब आपको पता है कि चाची का मोबाइल खो गया था अभी 10-15 दिन पहले, तो मुझे उस नंबर की जो उनका वोडाफोन वाला नंबर था उसमें की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकलवानी है जिन जिनको उन्होंने लास्ट मंथ कॉल किया था, क्योंकि यार नंबर उन्होंने जीमेल पे ऐड नहीं किए थे उस सिम के, और तो उस सिम में जितने भी सेव नंबर थे वो सारे सिम के साथ ही चले गए। और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 12 o'clock दोपहर में, भाई एकदम मतलब बहुत ज़्यादा ही तेज़ धूप हो रही है, नीचे अपनी बाइक वहाँ पर खड़ी है थोड़ी छाँव में होगी, मतलब इतनी ज़्यादा वो नहीं होगी, डायरेक्ट धूप में नहीं आ रही होगी, पेड़ों से थोड़ा फायदा हो जाता है यहाँ पे। और एक चीज बताऊँ, मैं ये जाएंगे तभी मैं अपनी हायाबुसा ले लूँगा। क्या ले लूँगा? हायाबुसा। क्या है ये? लक्ष्य की साइकिल है, तो उधर मेरी यूवी की ये पुरानी वाली साइकिल है, अब तुम ये चलाने लग रहे हो क्या? ये घर में साइकिल चलाएंगे क्या? रोड पे चलाओ ना। तो अभी निकलते हैं जल्दी से, और
वीआई के ऑफिस जाके आपको मिलते हैं। और मेरे को मेरे लिए टॉयलेट लेके आते हैं। तो भाई अभी पहुंच गए वीआई के ऑफिस, तो मोबाइल को रख लेते हैं, अभी काम पूरा करवा के फिर मिलते हैं। तो गाइस अभी तो घर पे जा रहे हैं, यहाँ पे काम तो हो नहीं पाया एक्चुअली, पहले ईमेल आईडी अपडेट करानी पड़ेगी, उसके बाद कुछ हो पाएगा। जो वीआई ऐप है उसके थ्रू ईमेल आईडी अपलोड करानी है पहले। और इतनी सी देर में बाइक भी एकदम खोल गई है, यहाँ सीट तो बिल्कुल बाइक की। तो पहले घर चलते हैं भाई, धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, दिख रहा है कुछ? तो अभी यार रास्ते से लक्ष्य के लिए अगर मिल गया तो चॉकलेट मिल्क्स ले लेंगे यार, वो रो रहा था आने के, मतलब किंडर जॉय के लिए। तो किंडर जॉय तो नहीं, पर चॉकलेट मिल्क ले लेंगे, किंडर जॉय मना कर दिया है घर वालों ने दिलाने से अभी। तो भाई अभी हम लोग बीआई के ऑफिस से वापस घर आ चुके हैं, और अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने चाहिए वीडियो में। और अभी यहाँ पे हमारा वीडियो एडिटिंग चल रहा है, ये तो मतलब फाइल्स है कि यहाँ पे ये वीडियो एडिटिंग चल रहा है, जो आप वीडियो ये देख रहे हो सेम वीडियो एडिट कर रहा हूँ मैं। तो ये लास्ट क्लिप है जो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, इसको भी ट्रांसफर कर देंगे इसमें लैपटॉप में इस क्लिप को। और बाकी आप लोग को जैसे बताया था, आप लोग बताइएगा कहाँ कहाँ पे वीडियो को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है हमें। और अभी मैंने ना, अभी मैं घर पे आया था तो मैं देखा यहाँ पे नोटिफिकेशन आया था विंडोज 11 का कि अपग्रेड हो विंडोज टू विंडोज 11। तो अभी मैंने उसको अपग्रेड कर दिया है, विंडोज 11 में फ्री में अपग्रेडेशन आया था तो मैंने कर दिया। काफी चेंज, मतलब यूआई थोड़ा चेंज तो है, और मुझे लगा लैपटॉप भी थोड़ा स्मूथ चल रहा है पहले से। यहाँ पे मतलब आपको पता है विंडोज 10 में यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू आता था, वो मतलब डिफरेंट टाइप का आता था, ये विंडोज 11 का है नया स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट वाला बटन सेंटर में आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है। बाकी सब तो वैसा ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है। ये कुछ इस टाइप से दिखा, ज्यादा ही तारीफ कर दी। दिस पीसी नॉट रिस्पॉन्डिंग, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी, दिखाता है। ये थोड़ा मतलब यूआई चेंज हो गया है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है अभी तो। बाकी अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।